सो आगे बढ़ेंगे। आंटी एडना ने मुझे मैसेज किया था कि आपको ये वचन बांटना है, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जिस समय उन्होंने मैसेज फोन किया, मुझे आया नहीं, नेटवर्क का कुछ इश्यू है, तो मैसेज आया और फिर तभी की तभी एक तो बल्ब सा जला और मुझे प्रभु ने सीधा नहमाया 8 में पहुंचा दिया रियली। और मैं और कुछ प्रिपेयर करी थी क्योंकि इसमें का बहुत प्यारा टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस 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 मेरा सबसे प्यारा टॉपिक है वो नहमाया 3 वाला गेट, क्योंकि क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे सही सही पढ़ाना बहुत पसंद है। तो वैसे भी मुझे वो गेट्स टॉपिक बहुत पसंद है, जितने भी वहाँ गेट है, ये गेट वो गेट। और मैं सोच रही थी कि क्या करूं, मैं संडे को शाम को सोच रही थी कि प्रभु क्या है, और प्रभु मुझे वो नहमाया 8 से हिलने नहीं दे रहे थे। मुझे मतलब मैं पढ़े जा रही थी और वहां से वो हिलने नहीं दे रहे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए डर गई कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा होने दे, नहमाया 8 आपने मुझे अगर दिखाया है तो यही होगा। सो आइए हम पढ़ेंगे नहमाया 8, नहमाया 8, वी विल रीड टिल 10 और आगे मैं आपको बता दूंगी। सो हम एक एक वचन जाएंगे क्योंकि जो मुझे सिखाते हैं वो पास्टर निकी हैं। जो कुछ भी डाउट है वो मुझे लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, प्राइवेट वाले, व्हाट्सएप वाले, ऐसे नहीं कि सरमन भेज दिया। मैं कुछ भी डाउट उनको पूछती हूँ, वो बहुत एक्सप्लेनेशन से देते हैं तो, और मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जवाब देने से पहले, तो किसी प्रकार से वो मेरे यहाँ गुरु हैं। ओके सो आई डोंट नो व्हाट ओके। सो या सो हम पहला वचन वहां पढ़ेंगे। आई विल रीड इन इंग्लिश बट लेट मी ट्राई टू ट्रांसलेट। व्हेन द 7th मंथ केम एंड द इज़राइलाइट्स हैड सेटल्ड इन दैट टाउन, इट्स अ वेरी पीसफुल, ये बहुत शांति वाला वचन है। जैसे ही खुलता है ये वचन, जैसे ही खुलता है दो यहाँ पे बहुत शब्द देखने लायक। 7th मंथ, 7th इज द रेस्ट एंड ही इज सेइंग इज़राइलाइट हैड सेटल्ड इन दैट टाउन। परमेश्वर का वचन नंबर्स इतने प्रिसाइज हैं, उसका पीस, शांति, रेस्ट विल कम इन दैट 7th मंथ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड एंड ऑल द असेंबल्ड वन। इसके पहले की बैकग्राउंड अगर कोई जानता नहीं है तो ये है कि यहाँ सब बर्बाद हो चुका था, वॉल्स नहीं थे, गेट्स नहीं थे, जो यहूदी लोग थे, इज़राइलाइट्स थे, वो सारे कहाँ कहाँ बिखरे थे। लेकिन 7वें में लिखा है कि द पीपल वर रिटर्निंग, लोग यहूदी लोग वापस आ रहे थे अपने देश में वो सब बनाने के लिए, एज़रा और नहमाया के लीडरशिप में। प्रेज गॉड, ऑल द पीपल असेंबल्ड एज वन मैन इन द स्क्वायर, एज वन मैन, इन वन मैन इन अ सेंस, एक मन, एक दिमाग, एक ध्येय, एक फोकस। क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कितने हो गए। कल मैंने पूछा भाई निकी से तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला लाखों, कितने लाखों, तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स रहेंगे जरूर, कोई 100 लोग तो नहीं खड़े हैं स्क्वायर में। जब मैं बेनिन की मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड किए थे, क्योंकि मैं आती हूँ एक अनबिलीवर फैमिली से तो यहाँ का सब रूल्स मुझे पता है, और मैंने देखा है कि जैसे कुंभ मेले में हम देखते हैं न्यूज में कितने सारे लोग हर साल 4 साल बाद मिलते हैं, और हर बार एक ही न्यूज होती है कि स्टैम्पीड हो गया है। स्टैम्पीड समझते हो आप, जो पैरों के नीचे कुचल के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इट्स अ डिमोनिक थिंग एंड डेविल विल डू दैट। बट व्हेन आई वेंट पेनिंस मीटिंग देयर वर अराउंड अबाउट लाख्स ऑफ पीपल, आई हर्ड मोर देन 3 or 4, लेट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड आई वॉज, मुझे लगता है मैं हार्डली कुछ 23 साल की थी जब मैं गई थी, और वो तो अभिषेक तो अलग ही लेवल का था, लेकिन मैं लोगों को जिस तरीके से मीटिंग खत्म होने के बाद एक लाइन में जा रहे थे और एक शांति वहां जो मैंने देखी ना, मैं उसको देख के रो रही थी कि प्रेज गॉड, व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट व्हिच सो मेनी पीपल स्टैंडिंग इन वन अकॉर्ड एंड देयर इज नो स्टैम्पीड, अमेजिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। तो आई थिंक दिस इज हैपेंड हियर, ये यहां हुआ है, और दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, दे असेंबल एज वन मैन इन अ स्क्वायर बिफोर द वॉटर गेट्स। This is the work of the Holy Spirit before the water gate.
ना वाटर गेट में आपको बताना चाहती हूँ कि अकेला गेट था, पूरे गेट्स जो बर्बाद हो गए थे, टूट गए थे, जो दुरुस्ती का काम एज़रा और नहमाया वो जो कर रहे थे वहां पे, लेकिन एक ऐसा गेट था जो बर्बाद नहीं हुआ था, जो टूटा बिल्कुल नहीं था, और उस समय भी वो लोग उस गेट से जाके पानी लाते थे, और वो था जिसका नाम ही था वाटर गेट। हम सभी को पता है, हम सभी यहाँ प्रभु का वचन सीखते हैं, वाटर गेट इज अ गेट, इटर्नल गेट, इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज इटर्नल, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप कितना भी जलाओ, मेरे मसीह जीवन में मेरे सामने तीन मेरी बाइबल जला दी गई थी, पता नहीं मुझे कितने दिन बंद किया था कि आप प्रभु का वचन मत पढ़ो। एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि था ही नहीं, और मैंने कहा प्रभु ये तो अंत है, मैं इसके लिए आपके पास नहीं आऊं कि मैं ये सारी प्रोसिक्यूशन झेलूं, और फिर मैंने बस गिव अप कर दिया, ऐसे प्रभु छोड़ दो अभी, मुझे पता नहीं आप है भी हो पता नहीं। और रात के कुछ 1-2 बजे थे और प्रभु का वाणी मेरे पास आया, और मैंने कहा प्रभु ने कहा ऐसा एक बार आप बाइबल खोल के पढ़ लो, ऐसे है ही नहीं बाइबल यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं प्रभु बात कर, मतलब बाइबल है ही नहीं इस मेरे घर में। तो उन्होंने कहा जहाँ आप बैठे हो बिस्तर मैट्रेस उसके नीचे छोटा बाइबल है, मुझे पता था एक भी बाइबल घर पे नहीं। और जब मैं उठी, मैं वहां ठीक है लास्ट टाइम परमेश्वर बोल रहे तो कर लूंगी, मैं उठी और देखा बाइबल खोला, और यू नो बाइबल तो देखा तो इतना बड़ा चमत्कार था, वो भी इग्नोर कर दिया मैंने, हाँ ठीक है अभी खोलती हूँ मैं और क्या है बताओ परमेश्वर। जैसे मैंने खोला वहां पे आया 2 Timothy 1:7 or something की I do not give you the spirit of fear, मैं आपको भय का आत्मा नहीं देता हूँ, लेकिन I give you the spirit of love, sound, प्रेम और सेल्फ कंट्रोल, साउंड माइंड का आत्मा देते, तो आप कुछ बुरा मत करो, मैं आपके साथ बना हुआ। तो प्रभु का वचन आप कितना भी जलाओ, फेंक दो, फाड़ो, वो खत्म नहीं होता है, इटर्नल, इट इज जस्ट इटर्नल, इट इज इन द एयर समवेयर, आई फील इट इज इन द एयर, इट जस्ट कम्स एंड स्पीक्स टू यू, इट इज सो अलाइव। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड इन ड्रीम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ बेब्स, you know, we hear this eternal word of God through Zoom. We thought the churches are closed, but it is still alive and it is growing like wildfire. Nobody can stop and it can never be destroyed. So every word, ye jo bhi hum padhne wale hain, isme har ek word mein bahut, you know, aisa lagta hai kuch to bahut sara bhari anointing hai har word mein, har placing mein. जो वर्ड का है प्रभु के वचन से जो आया वो है। तो सातवें महीने में प्रभु पीस देता है, लोगों को आराम दिलाता है, एंड असेंबल इन वन मैन बिफोर द वॉटर गेट। प्लीज गॉड, दे टोल्ड एज़रा द स्क्राइब, हम देखेंगे कि एज़रा यहाँ पे स्क्राइब है। स्क्राइब में आपको जल्दी से बताती हूँ कि ऐसा इंसान होती है जिसके पास एक प्रकार की डिग्री होती है, और वही इंसान बाइबल जो है, जो तोरा जो बोलते हैं प्रभु का जीवंत वचन, वो लिखने की उसको अनुमति होती है। मैं और आप वो नहीं लिख सकते, पाया हुआ अभी आप आज के जमाने पाया हुआ इंसान है जो लिख सकता है और उसको लिखने की अनुमति है। तो ये ऐसा ही स्क्राइब था, देखो इसके बहुत सारे डिग्रीज है, एज़रा स्क्राइब में ही नहीं था और बाकी कुछ था। टू ब्रिंग आउट द बुक ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस व्हिच द लॉर्ड हैड कमांडेड फॉर इज़राइल, कमांडेड पहले से दिया गया था, लेकिन ये अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे 2 में। So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. बहुत बार बोलते हैं प्रभु का वचन, बहुत सारे पहले भी बोलते थे कि प्रभु का वचन, जिस कुटुंब से मैं आती हूँ, नहीं नहीं ये पवित्र शास्त्र है, जो भी मैं पहले पढ़ती थी, ये लेडीज लोग हाथ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ जेंट्स लोग हैं, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत आता है। तो बताइए ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आपका You've gone on mute, Rashika. You've gone on mute. Am I? Till I don't know. Till where I? Till where? Second. एक मिनट का मत, हाफ मिनट गया, एक मिनट।
Go ahead now from there. Okay, so on the first day, दूसरे वचन में हम जाएंगे. On the first day of the seventh month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women. Because मैं ऐसी कुटुंब से आती हूँ जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जाना अलाउड नहीं है लेडीज को, जेंट्स को. लेकिन प्रभु का वचन देखो कहीं भेदभाव नहीं करता है. प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि मैन वुमेन में भेदभाव नहीं करता. जो कुछ भी समझ पा रहा है सब लोग उसको सुने, सब लोग उसको सुने. ही रेड इट अलाउड फ्रॉम डे ब्रेक टिल नून एज ही फेस्ड द स्क्वायर बिफोर द वाटर गेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैन एंड वुमेन अदर्स हु कुड अंडरस्टैंड एंड ऑल द पीपल लिसन अटेंटिवली टू द बुक ऑफ द लॉ. ये बहुत विपरीत सा चीज है. यू नो, कभी बहुत बार मेरे साथ ही होता है ऐसा कि मैं बाइबल पढ़ने बैठती थी और फिर नींद आ जाती है. लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि प्रभु ने मुझे 2 बजे उठाया है सुबह सुबह और कहा है कि ये पूरा का पूरा अभी के अभी खा लो, पढ़ लो. 2-3 बजे बहुत गहरी नींद होती है. आई एम टेलिंग यू, जब होली स्पिरिट आते हैं और आपको उनके अंडरस्टैंडिंग में, अनॉइंटिंग में आपको वचन पढ़ने बोलते हैं ना, तो वो बस इतना अटेंशन होता है ना कि नो बडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू. अगर आप हम अपने बल से कुछ करने गए तो कुछ फायदा नहीं है उसका. यहाँ हम देखते हैं ही रेड इट अलाउड. कब से पढ़ाई में मैं सोचती थी इज़रा को ताकत कितनी है. ही रेड इट अलाउड, इज नोबडी एल्स रीडिंग इट. ही रेड इट अलाउड अलाउड. चलो डे ब्रेक वहां 6 बजे बोलेंगे जैसे पौ फुटती है. 6 बजे से टिल नून, 12 बजे तक खड़ा था, बैठा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहां पे. 12 बजे तक, ओ गॉड, टू मच. फेस द स्क्वायर बिफोर द वॉटर गेट इन द प्रेजेंस ऑफ मेन एंड दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. ये प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ही काम है कि लोग एक मन में आए, एक विचार में आए. और एज़रा वहां खड़े थे 6 से 7 घंटा और 6 से 7 घंटे ये सारे लोग अटेंटिव थे. दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड लुक, होली स्पिरिट इज रिवीलिंग द वर्ड ऑफ गॉड. होली स्पिरिट अपनी कहानियां कभी नहीं बताते हैं. होली स्पिरिट रिवील्स द वर्ड ऑफ गॉड, द इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड. हमेशा यह पवित्र आत्मा परमेश्वर का जीवंत जो वचन है वही दिखाते हैं, उनके नियम के वापस ले जाते हैं, उनके तोरा के पास वापस ले जाते हैं. 4 पढ़ेंगे, एज़रा द स्क्राइब स्टूड ऑन अ हाई वुडन प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर ओकेशन. ये पढ़ने से पहले बड़ी तैयारी हो गई थी. ऐसा थोड़ी है कि भाई आज प्रोग्राम है चलो आज बांधेंगे. उन्होंने पहले ही सोच रखा था और पहले ही सोच रखा था कि हम बांधेंगे और पूरी तैयारी करेंगे और तब हम मिलेंगे. इनविटेशन इतने सारे लोगों को पता तो चलना चाहिए, वहां थोड़ी जूम व्हाट्सएप था, किसी तरह पहुंचा होगा. तो बड़ी तैयारी थी यहाँ पे. ये पढ़ा जाने वाला है, बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा आशीष का काम है कि प्रभु का वचन पढ़ा जाने वाला है, हम उसे सुनने वाले हैं, प्रभु का अनॉइंटिंग हम पे आने वाला है. इट वॉज अ वेल प्लान्ड थिंग, इट वॉज नॉट जस्ट वन डे इवेंट, इट वॉज अ वेल प्लान्ड थिंग बिसाइड हिम. तो मैं बहुत बार ये पढ़ी थी, 4 के थोड़ा सा आगे बिसाइड हिम ऑन हिज राइट स्टूड --. बहुत टाइम जाएगा उनका नाम. हमारी पासवान कहती थी ये कैसे मुश्किल वर्ड लग रहे हैं ना आपको, ये नाम कैसे हैं. अगर वो हमारे नाम सुनेंगे बोलते ये तो कितने मुश्किल नाम है, वो इरा में नहीं है ना हम, इसीलिए. बिसाइड हिम ऑन हिज राइट स्टूड हूएवर. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लोग खड़े हैं राइट साइड में और उनके लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15 लोग आ गए, टोटल 16 एज़रा. मैं सोचती थी इतने लोग क्यों खड़े हैं, क्या करते होंगे उसको, मतलब वो थका है तो उसको कंधा देते थे, क्या कर रहे थे वो. हमको पता है तोरा जो है, इतनी बार भाई निकी ने हमको सिखाया है, तोरा जो है एक ऐसा ऐसे में आता है, ऐसा ऐसा रोल होता है. आज हमारे पास बाइबल है जो ऐसी है, बुक के समान. अच्छा भाई, नहमाया निकालो तो नहमाया कौन से इंडेक्स में, 4 पेज में है, 421 पेज में. उसमें नहीं था ऐसा, स्क्रोल था, बस निकालो जर्र करके निकल जाएगा और बराबर वहां तुमको ले जाएगा. और वो इतना भारी था और इतना महंगा था और इतना रेयर था. एज़रा के पास था वो, क्योंकि स्क्राइब था तो उसने किसी तरह बचा के रखा होगा वो, उसको उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता था.
तो ये जो राइट लेफ्ट में लोग हैं, ये देखो मैंने कहीं कहीं से पढ़ा नहीं है, मैंने बस पढ़ा और प्रभु ने मुझे मन में डाला ये किसको पकड़ने के लिए, कितना भारी था ये प्रभु का जो पहले 5 किताबें जिसे तोरा कहते हैं, इतना भारी था, लेदर का बना रहता था और लेदर के ऊपर वो एक टाइप की इंक होती है उसी से लिखा जाता था, ये भारी था। इस तरफ जब पढ़ के होएगा तो ये पढ़ेगा, दूसरा पार्ट वो पकड़ेगा और इज़रा जी है पढ़ते जाएंगे। आमीन। हम लोग कितने खुश नसीब हैं, हमारे पास बाइबल ऐसे ही पड़ा हुआ है, कभी भी उसके पास एक्सेस है। तोरा ये जो जितने भी लाखों लोग बैठे थे वहां पे उनके पास एक्सेस ही नहीं था। प्रेज गॉड फॉर हिज इटर्नल वर्ड दैट इट हैज रीच्ड अस, प्रेज गॉड फॉर इट। सो वो था और इतना ये लोग उसको महत्व दे रहे थे कि अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे प्रभु का वचन कहता है कि तेरे उसी के पास है शब्द जीवन के। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास ही there is a word, there are words of life. Because no one can give us. There are many people who speak words of encouragement, but there's no life in it. The life flows in this, the eternal word of God. Ezra opened the book and all the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, or just as Nicola, the people all stood up. My God, reading of the scripture, I love those churches where reading of the scripture hota hai aur sab khade hote hain. I was telling Binu, हम भी ऐसा करेंगे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते होंगे ना तो पहले उठाएंगे। Praise God because hey, I'm really liking it. Give value, give respect to the word of God and it will live always, it will never, never, never put you down. मेरी लाइफ में आज तक यदि कभी भी हुआ नहीं कि प्रभु का वचन आया है और उस वचन ने काम नहीं किया। बहुत ही बड़े बड़े काम मेरे प्रभु ने उसका वचन बेच के मेरे लाइफ में किया है, मतलब गिनती नहीं, इतनी बड़ी, इतनी सारी साक्ष्य है तो यू नो आप सभी के जीवन में होगी। सो देयर इज अ रिस्पेक्ट गिवन हियर, रिस्पेक्ट ऑनर टू द तोरा, टू द इटर्नल वर्ड व्हिच वाज सो रेयर एंड दे स्टूड अप। Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their heads and their hands and responded. परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा था, वहां पे थोड़ी प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी और सभी ने अपना हाथ ऊपर किया और रिस्पॉन्ड किया आमेन आमेन, और फिर वो बाउ डाउन हुए। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि वो चेयर पे बैठे थे। देन दे बाउ डाउन एंड वर्शिप द लॉर्ड विद देयर फेसेस टू द ग्राउंड। प्रभु का वचन जैसा आया वो उसको वर्शिप करने लग गए। पांचों जब किताबें पढ़ी जा रही थी 7 घंटे 6 घंटे वो खड़े हुए और एज़रा पढ़ रहा था और ये सब चेहरे उनके नीचे थे 7 घंटों के लिए वो चेहरे नीचे उनके क्या कर रहे थे, सोने गए थे, रो रहे थे। द लीवाइट जशुआ बानी आगे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्टर द पीपल। तो मैं सोचती थी कि अरे कैसे ना कैसे, लाउड स्पीकर तो नहीं था, साउंड सिस्टम तो नहीं था, माइक तो नहीं था, पता नहीं कैसे किया होगा। तो ये सारे जो लोग दिए है ना वो जा रहे थे और एक एक वचन जो सुनते थे उनको समझा रहे थे लोगों को। स्टैंडिंग देयर दे रेड फ्रॉम द बुक ऑफ द लॉ गॉड मेकिंग इट क्लियर। देर आर पीपल हु मेक द वर्ड ऑफ गॉड क्लियर, दे आर अनॉइंटेड टू डू दैट। लेट्स गेट हम्बल एंड गो टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम, दे आर अनॉइंटेड टू डू दैट एंड गिविंग द मीनिंग to the people, उन लोगों को वो मतलब सिखा रहे थे, could understand what was being read. क्योंकि ये वचन इतना रेयर हो गया था, एज़रा के पास एक कॉपी पड़ी थी और इतने साल तक इसे बर्बाद हो गया था, उनका देश ही नहीं था, मतलब उनको देश निकाला किया गया था, उनका स्क्रोल पता नहीं कहाँ था और हर कोई तो नहीं पढ़ सकता था वो। लेकिन देखो जब वो वापस आए सबसे पहले शुरुआत होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग से, सबसे पहले खुला वो था तोरा। देयर इज नो लाइफ। मुझे वो वचन इतना पसंद है, मेरे पास है शब्द जीवन के, दिस इज द वर्ड फुल ऑफ लाइफ। द नहेमाया द गवर्नर और एज़रा द प्रीस्ट एंड स्क्राइब, 2 डिग्रियां थी एज़रा के पास, वो याजक भी था और स्क्राइब भी था।
And then the Levites who were instructing the people said to them all, this day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep. हम थोड़ा इससे ये वचन में डीप जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ये तोरा लिखा जाता है, स्क्राइब्स जो है वो इंक होती है, उनकी पर्टिकुलर इंक जो मुझे लगता है कुशेर जानवर के ही कुछ किसी से बनी रहती है, वो उसकी वो बनाने वाली टाक जिसे बोलते हैं, और वो इंक भी एक ही प्रकार की आती है और वो बस सेटअप होता है उसके, उसको छोड़ के वो लोग तोरा को लिखते नहीं है। और जब भी लिखते हैं, अगर यहवे का वहां नाम आ गया, यहवे का वहां नाम आ गया, तो वो उठ के जाते हैं, वो लिखने से पहले और उठ के जाते हैं, हाथ पैर सब कुछ धो के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं और फिर लिखते हैं यहवे। इमेजिन, यू नो, आप सोचो, हम परमेश्वर का नाम ऐसे ही ले लेते हैं, और जब यहां हम पढ़ते हैं कि उसके नाम को क्या ये आदर और महिमा और क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, मेरा दिल हिल जाता है सुन के। और कहते हैं कि अगर वहां से कोई राजा पास होता है, तो जब राजा जाता है तो प्रजा उठती है ना, थोड़ा नमस्ते करती है, बाउ डाउन होती है, या फिर पीछे मुड़ जाती है। जब राजा गुजरता है पुराने जमाने में, इवन बाइबल के जमाने में, तो कोई सामने नहीं आता था। लेकिन यहाँ लिखा है, तो मैंने ऐसे सुना है कि जब यहवे का नाम लिखा जाता है तो स्क्राइब, अगर राजा भी पास हो रहा है तो उठता नहीं है जब तक वो पूरा नाम खत्म नहीं करता है। परम परमेश्वर का जीवंत वचन, जो खुद जिंदा परमेश्वर है, उसको इतना यहाँ पे वैल्यू, इज़रा को ही पता था वो। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ उसके बारे में, हिल जाती हूँ, गॉड, ये प्रभु परमेश्वर का वचन और नाम कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम देखते हैं प्रभु का वचन क्यों, क्योंकि बहुत बार ये वचन हमने पढ़ा है आगे का, द डे यहाँ लिखा है, फॉर आगे पढ़ते हैं, द डे इज सेक्रेट टू द लॉर्ड योर गॉड, डू नॉट मोर्न। अभी ये परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ पवित्र दिन है, यहाँ पे आप रोना धोना मत कीजिए, क्योंकि वो लोग रो रहे थे 7 घंटे, सुन रहे थे, रो रहे थे, सुन रहे थे, रो रहे थे, कन्विक्ट हो रहे थे। पवित्र आत्मा उनको वचन जब सुनाई दे रहा था, वो कन्विक्ट हो रहे थे और वो रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। और कहता है, फॉर ऑल द पीपल हैड बीन वीपिंग एज दे लिसन टू द वर्ड ऑफ द लॉ, और वो खड़े होके नहीं रो रहे थे, वो जमीन पे थे, मिट्टी उनके चेहरे पे लग रही थी, रो रहे थे। नहमाया सेड, गो एंड एंजॉय चॉइस फूड एंड स्वीट ड्रिंक्स, रो मत। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो एक शांत सा होली स्पिरिट का कन्विक्शन आना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा ड्रामा हो वहां पे, बहुत जोर जोर से रो रहे और कन्विक्शन तो कुछ आया नहीं, कुछ फायदा नहीं है उसका। और कन्विक्शन आके आप बदले भी नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है, तो बताने वाली मैं भी फेल हो गई, पढ़ने वाला इज़रा भी फेल हो गया। He said, go and enjoy, because you know the moment आप जैसे ही सुने हो प्रभु का वचन, आप में कन्विक्शन आ गया है, तो आप खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, रो मत। क्यों? The day is sacred to your Lord, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. प्रभु परमेश्वर का जो जॉय है वो आपकी ताकत है। मैंने ये वचन बहुत बार पढ़ा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, और मैं बहुत गाती थी चिल्ला चिल्ला के, लेकिन इसके आगे पीछे का मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। क्यों आता है जॉय ऑफ द लॉर्ड, एंड कब वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनता है, कब हमारी स्ट्रेंथ बनता है? आई एम सो सॉरी, जब हम प्रभु कन्विक्शन से, पवित्र आत्मा के कन्विक्शन से प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कन्विक्शन ला के पश्चाताप करते हैं और मुड़ जाते हैं अपने पाप से। इतने दिन जो हम कर रहे थे उससे अबाउट टर्न हो जाते हैं, तो प्रभु खुश हो जाता है और तब हम स्ट्रेंथ से भरते हैं। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज द, परमेश्वर की खुशी उसमें है कि उसका बेटा लौट आए, बेटा लौट आए उसके तोरा में, बेटा लौट आए उसके दिए हुए जीवन के शब्दों में। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और पता है ये बाद में क्या होता गया, ये रिवाइवल शुरू हो गया। रिवाइवल प्रभु के वचन पढ़ने, सुनने, कन्विक्शन और मानने में चालू होता है। ऐसे ही नहीं शुरू होता रिवाइवल, और ये पूरा 8 दिन का रिवाइवल था। हम आगे आगे पढ़ेंगे तो लोग हर दिन आ रहे थे, लोग हर दिन पढ़े जा रहे थे, सुनना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि ये 7 दिन का होगा, 8वें दिन बड़ा जल्लोश कुछ होगा। 7 दिन का ये आई थिंक बूथ
का ये है. एंड देखिए कैसा कैसा अजीब है ना, कैसा सेटिंग है. यू नो आई जस्ट लव दिस. यू नो गॉड इज गॉड ऑफ कोइंसिडेंसेस. हम बोलते हैं ना कोइंसिडेंस हो गया. नो, ही इज अ परफेक्ट प्लानर. इसके बाद क्या लिखेंगे और ये ऐसे ही होगा. देखो हमारी हम शादियां भी अटेंड करते हैं या फिर मेरे लिए शादी हुई है तो हम बोलते हैं कि 11:25 का तो है टाइमिंग, हो जाएगी. कोई शादी टाइम पे नहीं लगती है. लेकिन प्रभु यीशु जब आए, जब क्रूस पे मरे गए, जब उठे गए, जब उन्होंने यू नो एक मिरेकल है बाइबल में जहां लिखा है वो एक पूरा रात ट्रैवल करके अपने देश अपने जगह नाजरत गए यीशुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बाइबल का वचन पढ़ना है, मेरा बाइबल पढ़ने का चांस है, और वो वहां गए और उनकी फैमिली का टर्न था और उनको स्क्रोल पास किया गया और झर करके स्क्रोल खोला आइजाया का और उन्होंने वहां पे, इसको कोइंसिडेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट प्लानर, वन हु प्लान्स बिकॉज़ ही हैज टाइम्स इन हिज हैंड. उसके हाथ में समय है, वो क्या करेगा कब करेगा वो तुक्के से नहीं करते हैं. ही इज अ वेल प्लान्ड गॉड. ही इज अ वेल प्लान्ड गॉड. ये लिखा भी ऐसा है कि वचन से चालू हुआ और ये भूतों का भूत जिसे बोलते हैं मंडपों का मंडप नहीं सुखों जो जो हमने अभी मनाया था तो उन्होंने वो सब ले आए थे अपने कंट्री में. आगे हम पढ़ेंगे वहां लिखा था शेड्स ऑफ ट्री पाम्स और मटल उसके वो लेके आए थे. हम जानते हैं उसी समय यीशुआ जो है वो पैदा हुए थे. यीशुआ रोटी है जीवन की और ये खुला ही यीशुआ से, यीशुआ के जीवंत वचन से. आगे हम चल के वहां लिखे कि वहां पढ़ेंगे क्या लिखा है कि यीशुआ जो जोशुआ जो था उसके बाद से किसी ने ये पढ़ा ही नहीं था. फ्रॉम द डेज ऑफ जोशुआ सन ऑफ नून अंटिल दैट डे द इज़राइलाइट हैड नॉट सेलिब्रेटेड इट लाइक दिस एंड दे एंड देयर जॉय वाज वेरी ग्रेट. जोशुआ के वक्त उन्होंने ये मनाया था. अब मनाया कैसे था तो प्रभु का वचन पढ़ के मनाया था. हमने देखा था कैसा जोशुआ बोले नहीं उसका वचन हम पढ़ेंगे. हमने देखा था हम पढ़ जानते हैं बाइबल लिखा हुआ. उसके बाद से अब ये लोग ने किया है और वहां उसका वचन बहुत मेरे को प्यारा लगता है 8:17 एंड देयर जॉय वॉज वेरी ग्रेट. द जॉय कम्स फ्रॉम नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का जो आनंद है वो परमेश्वर के वचन को जान के आता है, सुन के जान के समझ के कन्विक्ट होके होली स्पिरिट के द्वारा आता है. और कि परमेश्वर का वचन ऐसा ही नहीं है, वो बहुत उसमें बहुत वजन है, उसमें बहुत लाइफ है. मैं आपको मेरी साक्ष्य बताना चाहती हूँ. कुछ कोर्ट केस चल रहा था और वो कोर्ट केस जो था वो बहुत लोग बोलते थे कि बहुत सालों तक चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आप नहीं कर पाओगे, जीत नहीं पाओगे. और वो